बोलिए के नारायण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज जी की। ध्यान रखिएगा, हम सब एकाग्र चित होकर के बड़े पवित्र अंतःकरण से भाव से भगवान की कथा को सुने, अंतःकरण में स्थापित करें। कल कथा प्रसंग में हम आप सब लोग सुन रहे थे कि सत्संग का बड़ा विशेष महत्व है। जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। घर में माता पिता का सत्संग ना हो तो जीवन अधूरा है कि नहीं। जिसके माता पिता अगर नहीं है, दुर्भाग्यवश बड़ा खाली खाली रहता है। परिवार ना हो तो अच्छा नहीं लगता। परिवार में रहना भी एक सत्संग है, लेकिन हाँ वहां अच्छे विचारों को प्रकट करें, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखें, ज्ञान की बातें करें, अध्यात्म की बातें करें, परहित परोपकार के विचार हम आपके बीच में प्रकट हों। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पितृ पिता पुत्र इत्यादि के साथ में रहना भी एक सत्संग है। संतों के साथ में रहना विशेष सत्संग है। भगवान की भक्ति मिल जाना और विशेष है। जीवन में अगर हम आपको अच्छाइयों का संग्रह करना है तो अच्छे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, हमारे विचार हमारे कर्म वैसे ही बन जाएंगे। आप ध्यान रखिए, जब हम किसी खराब व्यक्ति के पास में जाते हैं तो हमारे अंतःकरण, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। और जब अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, साधु संतों के समीप में बैठते हैं तो वहां एक अद्भुत जो है हर शक्ति चेतना हम आपके अंदर जागृत होती है। जैसा परिवेश मिलेगा वैसे हमारी विचारधाराएं भी बदलती जाती है। श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हम आपके लिए अगर मानस ना होती तो हम जो कुसंग में पड़ करके लोह बन गए हैं, इसे पारस पत्थर कहां से मिलता, यह सोना कैसे बनता। तो हम कुसंग में पड़ करके जो लोहा बन गए हैं उसके लिए मानस से पारस के रूप में हमारे सामने आकर हमें सोना बनाती है। मानस का प्रभाव है। सत सुदृढ़ सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत करे ही, मन मन सम निज गुण अनुसर ही। विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी, कहात साधु महिमा सत जानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साग बने के मन गुण गण जैसे। कितना बड़ा सठ क्यों ना हो, अगर संत का सत्संग मिल गया है, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का सत्संग मिल गया है, वह लोहा सोना बन जाता है, क्योंकि संत पारस की तरह हम आपके जीवन में आए हैं। यह हम सब रोगियों के लिए एक औषधि है मानस, जिसका सेवन करने से हमारे सारे विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। एक औषधि के रूप में श्री रामचरितमानस से हम आपको मिली है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से। संत महात्मा कहते हैं कि गुणे मोती चुगैया मरा लने की हित माने, सरोवर मानस बने लो हो गए तो संगति में तेरी भी तू बनो मनी पारस है।
रोग ग्रसे जन मानस को यह मानस भाव सुधारस है। हम सब एक मानस हैं, यह भव रूपी संसार में हम रोगी बन गए हैं और ये मानस हमारे सामने अमृत बन करके प्रकट हुई है। इसका सेवन करने से हमारा जीवन भी मंगल में हो जाता है। तो श्री रामचरित मानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की वंदना करते हैं, फिर खलों की वंदना करते हैं, भगवान के भक्तों की वंदना करते हैं, संत असंत सभी की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज अवधपुरी की वंदना करते हैं। बंदो अवधपुरी यति पावन सरजू कलिकल कलशन सावन, मैं अवधपुरी की वंदना करता हूँ, सरयू नदी की वंदना करता हूँ, माता कौशल्या की वंदना करता हूँ। कौशल्या दिश प्राची, जो माता कौशल्या पूर्व दिशा के समान है, उनकी वंदना करता हूँ, जहां से श्री राम रूपी चंद्रमा का प्रकट हुआ है, जिनका ये सारे जगत में छाया हुआ है। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ की वंदना है, पूरे परिवार सहित अयोध्या वासियों के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जिहि राम पद विसरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो पर हरियो, मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। किसी ने कहा कि आप महाराज श्री दशरथ जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, ज्ञानियों में श्रोमणि हैं, राजाओं में श्रोमणि हैं, वेदों में उनका नाम आज भी प्रसिद्ध है, भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं और भगवान के परम भक्त, और इसके साथ साथ भगवान के पिता हैं, इसलिए आप वंदना करते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, राजाओं में श्रोमणि हैं, भक्त श्रोमणि हैं, भगवान श्री राम के पिता हैं, इस कारण में उनकी वंदना नहीं कर रहा हूं। फिर आप क्यों उनकी वंदना करते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जिहि राम पद, मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ की वंदना इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम है वह उनका सत्य प्रेम है। राम जी पुत्र हैं, फिर भी श्री राम के चरणों के प्रति उनका जो सत्य प्रेम है, अटूट प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, कितना प्रेम है महाराज दशरथ जी श्री राम जी से, कितना प्रेम करते हैं, प्रिय तन तृण यो पर हरियो, इतना अटूट प्रेम श्री राम जी के चरणों के प्रति है कि जब श्री राम जी से वियोग हुआ तो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ यह प्रिय शरीर तिनके के समान छोड़ देते हैं। विश्वत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो पर हरियो, शरीर कितना प्रिय होता है लेकिन राम से वियोग हुआ, इस प्रिय शरीर को उन्होंने परित्याग कर दिया, यह महाराज श्री दशरथ जी का सत्य प्रेम है। जिन भक्तों के अंतःकरण में अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ऐसा सत्य प्रेम होता है, ऐसी सत्य निष्ठा होती है, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो प्रशंसनीय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, और जिसको सीताराम प्रिय नहीं है वह हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो उसका परित्याग कर दो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, मेरे प्रभु श्री राम जिसको प्रिय नहीं है।